एवरीवन, फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल अल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के टू टॉपिक को कंप्लीट किया था, दैट इज फर्स्ट इज फाइनाइट डिफरेंस और सेकेंड इज सॉल्व न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर हमने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये सब कुछ किए थे। और फाइनाइट डिफरेंस के अंदर हमने ई डेल्टा इन ऑपरेटर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या यूज करके कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके साथ में हमने न्यूटन। ये जो टॉपिक्स है न्यूमेरिकल मेथड्स में, वहां पे हम एक्चुअली क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं रहता है, दैट टाइम वी रिक्वायर एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, नियर अबाउट टू द सॉल्यूशन। एग्जैक्टली सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो टू फाइंड द नियरेस्ट सॉल्यूशन, तो तब हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, और देन हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सो सपोज कंसिडर वी हैव गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वेश्चन इज फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, ऐसा एक एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू सच दैट विच सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इक्वेशन को सैटिस्फाइड करना मतलब क्या होता है, इसके लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करना। अब कोई भी एक्स का वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएंगे। जैसे सपोज वी टेक एक्स इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर x इक्वल्स टू 1 पुट अप कर दिया तो वी गेट 1 माइनस 5 प्लस 6 एंड दैट इज नथिंग बट 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो हियर x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है इट इज 2, मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको पता है कैसे निकालते हैं। सो इफ वी फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन वी गेट एक्स इक्वल्स टू 2 and 3 एंड दिस आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखो एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट अप कर दे तो इट इज 4 माइनस 2 × 5 इज 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और राइट साइड भी क्या है 0, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस दिस कंडीशन विज होल। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब अगर हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट विच सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन था वो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने इजिली उसके रूट्स निकाल लिए। जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो सारे प्रोसेस हमें पता है, तो उसकी हेल्प से हम फैक्टराइज करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो जो एक्स की वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब ये जो इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स तो वी गेट द आंसर, सो इट इज ए अल्जेब्राइक इक्वेशन। ओके, तो ये जो इक्वेशन के टाइप है जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, दैट इज नथिंग बट द अल्जेब्राइक इक्वेशन। नाउ सेकेंड सपोज वी कंसिडर इक्वेशन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अगेन अ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यूज है वो 2 मिली है, बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, दैट मीन्स मैक्सिमम 2 रूट्स आर पॉसिबल। तो इसके पास में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकता है, या फिर नो रियल रूट भी हो सकता है, इमेजिनरी के फॉर्म में भी रूट आ सकते हैं। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, दैट मीन्स देयर इज ए 2 रूट्स, मैक्सिमम 2 रूट्स आर पॉसिबल, जो कि हमने निकाल लिया। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अगर चेक करते हैं तो इट कंटेन द कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अगर सीरीज एक्सपांशन करोगे तो इट कंटेन द पावर ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। ये पावर ऑफ एक्स इंक्रीज होते होते सीरीज के अंदर अप टू इन्फिनिटी तक के चला जाता है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड द इन्फिनिटी। तो इसके पास में कितने रूट्स होंगे, देर आर इन्फाइनाइट रूट्स। अब हमें इन्फाइनाइट रूट
में से एक एटलीस्ट वन रूट फाइंड आउट करना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन. प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम किस में इंटरेस्ट होते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है. उसके सोल्यूशन से हम बाकी ये कर्व कहाँ पे कट करता है, उसके रिलेटेड अदर पॉइंट्स आते हैं. तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन, दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो एक्स का सोल्यूशन, ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कोई भी मेथड नोन नहीं है. ना हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना फैक्टराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो इक्वेशन है जिसमें ये कॉस या फिर साइन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे टर्म कंटेन होते हैं, तो उसके पास में इन्फाइनाइट रूट तो रहते हैं लेकिन इनको डायरेक्ट प्रोसेस से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है. तो जिस इक्वेशन में साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स और लॉग एक्स ये टर्म कंटेन होती है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ई रेज़ टू पावर एक्स या फिर लॉग एक्स कंटेन है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. और इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन से मेथड है वही हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है. अल्जेब्रिक इक्वेशन, अब हम सॉल्यूशन ऑफ अल्जेब्रिक भी स्टडी करेंगे जबकि हमें अल्जेब्रिक के लिए मेथड पता है नहीं, बट ऑल अल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए हम ऐसे डायरेक्टली फैक्टराइज करके निकालना पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपके पास में इक्वेशन है, लेट अस कंसीडर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. नाउ हियर इट इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज दिस टर्म एज वेल एज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए नहीं. सो ऐसे भी कुछ अल्जेब्रिक इक्वेशन है जिनके रूट्स हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमें जस्ट आंसर, नियर अबाउट आंसर की रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो भी चलेगा, बट नियरेस्ट आंसर, जो एग्जैक्टली आंसर है उस आंसर के नियरेस्ट आंसर चाहिए. तो तब हमें न्यूमेरिकल मेथड में क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इस टाइप के इक्वेशन में भी सॉल्व करते हैं. तो दिस आर द अल्जेब्रिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होते हैं, और द इक्वेशन कंटेन साइन, कॉस, ई रेज़ टू पावर एक्स, लॉग एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एनी फंक्शन, देन दैट इज दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, इन इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं बाइसेक्शन, देन इटरेशन प्रोसेस, रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड. सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे एक एक मेथड. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज ए बाइसेक्शन मेथड. ये सारे ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, एक मेथड आपको प्रॉपरली समझने के बाद में बाकी मेथड आपको इजिली समझ में आ जाएगी. तो ये फर्स्ट लेक्चर होने की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है. तो बाइसेक्शन मेथड, अब बाइसेक्शन मेथड के सारे स्टेप में एक जनरल मेथड से समझाते हो, उसी को हम फॉलो करेंगे एग्जांपल सॉल्व करते हुए. तो सबसे पहले हमें बाइसेक्शन मेथड किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, टू सॉल्व द इक्वेशन, करेक्ट. सो हियर वी हैव गिवन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो. मैं मोस्ट जनरल प्रोसेस बता रही हूँ, सो हम इसी मेथड को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, हियर एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इट इज इन एनी फॉर्म. ये मे बी साइन एक्स के फॉर्म में हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म में, सो इट इज ए सिंपली फंक्शन ऑफ एक्स, तो एनी फॉर्म में हो सकता है. एंड वी राइट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन. सो दिस इज अवर इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब ये क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का. तो ये इक्वेशन अल्जेब्रिक भी हो सकता है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकता है. अब किसी इक्वेशन को सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये भी एक डाउटफुल है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस में, रियल नंबर्स में अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स इन्फाइनाइट होते हैं, बट उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है. और किसी किसी इक्वेशन को इमेजिनरी के फॉर्म में भी रूट्स होते हैं, हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए. तो किसी इक्वेशन को नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज रूट्स एग्जिस्ट होंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि 100% हम कब बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज द रूट. तो ये दिस एफ ऑफ एक्स वी टेक वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है, वी हैव टू टेक इट इज ए वाई इक्वल्स टू.
y equals to function of x, तो we know that we can draw the curve. x किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, तो सपोज अगर y equals to x square है, तो ये क्या दिखेगा आपको, पैराबोला, जैसे दिस टाइप ऑफ पैराबोला. क्योंकि जैसे y equals to x, then you may get the line passing through origin, या फिर ये x cube के फॉर्म में भी रह सकता है, एनी फॉर्म में हो सकता है, y equals to sin x हो सकता है, तो कुछ ना कुछ उसका कर्व आएगा. अब करस्पॉन्डिंग आपके पास में क्या होगा, एक कर्व आएगा. तो सो लेट अस कंसीडर दिस इज अवर कर्व करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन. नाउ हियर, अब इसी कर्व की हेल्प से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर सीखते हैं, तो यहाँ पे आपका कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, ये x का कोई वैल्यू हो सकता है, क्योंकि x एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. तो अज्यूम कीजिए ये वैल्यू है x0. अगर ये x0 वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे, तो व्हाट अबाउट द f ऑफ x0 इक्वल्स टू, ये y का वैल्यू कितना आएगा करस्पॉन्डिंग. सो यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, जीरो. सो ऑब्वियसली वेन एवर अवर कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस, then that point is nothing but root of our equation, because इसी particular point के ऊपर y का value zero आ रहा है, और हमें x का ऐसा ही value find out करना है कि जिस value के ऊपर function का value क्या हो जाएगा, left hand side equals to right hand side, तो right hand side कितना है, zero. तो ऐसा x का value जो function में put up करोगे, तो function का value zero आना चाहिए. और मतलब ये क्या हो गया, whenever our curve intersect x axis, तो जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. तो हमें इसी को फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली एक्स जीरो क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है, कि ये एक्स जीरो को ही फाइंड आउट करना है, बिकॉज जहां पे भी एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, वही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और हम इंटरेस्टेड है फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो ये हमारा मोटिव है. अब इसके तरफ जाएंगे कहां पे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली एक्स जीरो अगर पता रहता था, तो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती थी. हमें यही पॉइंट नोन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम. अब इस सॉल्यूशन में हमें अगर पॉइंट नोन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की एक एक्स का रैंडमली कोई भी वैल्यू पुटअप करते हैं. सो सपोज हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुटअप किया ए. सो इन केस इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू ए, तो वी गेट y equals to f of a. और ये जो y equals to f of a है, ये कैसा है, यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो नीचे के साइड में, एज पर दिस ग्राफ एट पॉइंट a वैल्यू ऑफ फंक्शन इज y equals to f of a here, और वो कैसा है, x एक्सिस के बिलो, दैट मीन्स इट इज ए निगेटिव. सो ये f of a यहाँ पे आएगा, इसके करस्पॉन्ड f of a. So coordinates of this point is a comma f of a. Now, अब ये वाला point मतलब हमारे पास में zero तो नहीं आया, कुछ ना कुछ y का value आएगा, but it is not equals to zero. ये zero नहीं आएगा, some कुछ भी value आ सकता है, क्योंकि zero आने के बाद में क्या कहलाएगा, it is a root of quadratic equation. At any point x का आप randomly value put up कर रहे हैं, और किसी value के ऊपर x के किसी particular value पे फंक्शन का वैल्यू अगर जीरो आता है, तो वही क्या कहलाता है, एक्स का वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ दिस दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन का वो एक्स डायरेक्टली सॉल्यूशन बन जाता है. बट अगर आपने पुटअप करने के बाद में एक्स इक्वल्स टू ए पुटअप करने के बाद में वी गेट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. अब नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती है, आइदर इट इज ए पॉजिटिव या फिर निगेटिव. एक तो जीरो आएगा आंसर, या फिर निगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये तीन ही चॉइसेस है. तो जीरो तो हमने कह दिया कि इट इज नॉट जीरो, मतलब वो रूट नहीं है, ये हमें पता है. तो क्या है, तो हमने चेक किया, तो ये हमारे हिसाब से इट इज ए निगेटिव. और हम एक्स का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, खुद से हम एनी रैंडमली वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें एक्स इक्वल्स टू ए नोन है, और एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू, एक्स ये जो फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, उसमें x के जगह पे वो वैल्यू पुटअप करोगे, तो ऑब्वियसली आपको y भी नोन होगा. तो वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ y. और ये अगर हम चेक करेंगे, तो हियर एज पर दिस क्वेश्चन इफ वी गेट f ऑफ a निगेटिव, नाउ देन पुट द अनदर वैल्यू ऑफ x. अगर सपोज हमने कोई अदर वैल्यू पुटअप किया x का, हियर b, x का वैल्यू जैसे ही b पुटअप कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको
y का वैल्यू मिल गया, दैट इज f ऑफ b. मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए b कॉमा f ऑफ b. सो हियर हमने x का, ये तो हमें पता चल गया कि इट इज नॉट द रूट, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करना है x का, तो वी पुट x इक्वल्स टू b एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस b वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ b एंड इट इज ए ग्रेटर दैन जीरो, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर के साइड में, तो ऊपर है मतलब ये क्या हो गया, इट इज ए पॉजिटिव, सो इट इज ए ग्रेटर दैन जीरो. नाउ हियर अगर कर्व के अंदर ये दोनों पॉइंट आप पुट अप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कर्व इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है. अगर फंक्शन का वैल्यू एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है और इन दोनों पॉइंट से फंक्शन पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट से अगर फंक्शन को पास होना है तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे. तो आप कैसे भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो, किसी तरह से भी आप इस पॉइंट की तरफ जाओगे, तो आपको एक्स एक्सिस को कट करते हुए ही जाना पड़ेगा. मतलब ये कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो वो कर्व एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो भी कट करेगा ही, क्योंकि उसके पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा. एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो इन दोनों को अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर्व इज पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट, तो ऑब्वियसली दैट कर्व इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट सर्टन पॉइंट, तो वही पॉइंट क्या होता है, रूट. सो पूरा जो हमने स्टडी किया है इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ वी गेट द टू पॉइंट, इफ वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स such that at one value of x function is negative, at one value of x function is positive, then the root को हमने यहाँ पे फिलहाल x zero से denote किया, then the root x zero is must be belonging to open interval a comma b. तो देखो ये x की value है a और b, और इसी के बीच में ये का बीच exactly middle में नहीं, लेकिन इसी interval a और b के इंटरवल में क्या है, ये x0 पॉइंट बिलोंग कर रहा है. तो व्हेनेवर वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ x सच दैट एट वन वैल्यू फंक्शन इज नेगेटिव एंड एट वन अनदर वैल्यू फंक्शन इज पॉजिटिव, देन आवर रूट दैट इज द वैल्यू ऑफ x0 इज मस्ट बी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b. तो इसी इंटरवल में वो लाई करेंगे और वो जरूर लाई करेंगे. इसका मतलब है हमारे फंक्शन को रूट एग्जिस्ट होगा, दैट इज इस इक्वेशन को सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही. इन केस अगर हमारे पास में अपने अलग अलग फंक्शन में वैल्यूज पुट अप करते गए, इसमें रैंडमली एक्स की वैल्यूज पुट अप कर रहे और हमने इतने सारे वैल्यूज पुट अप करने के बाद में भी सारे के सारे एक्स वाई एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, मतलब क्या होगा, आपने एक्स का ए पुट अप किया, बी पुट अप करके देखा और वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव, एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव, तो ये फंक्शन कैसा है, ऐसे आ सकता है. अब देखो ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स इट डज नॉट हैव द रूट. तो जब हमारे पास में फंक्शन का वैल्यू, वी टेक हियर, सो दिस इज अवर एफ ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल्स टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज अवर एफ ऑफ बी. सो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक्स के दो वैल्यूज तो पुट अप किए लेकिन दोनों टाइम पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आया, और ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. मतलब ऐसा केस हो सकता है कि इन केस बोथ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव तो मे बी देयर इज अ नो रूट. समटाइम्स मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट 100% नहीं है. यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है, दूसरे पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बट इनके दोनों पॉइंट पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये कर्व ऐसे टाइप का है, तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इट हैज अ रूट. बट ये कंपल्सरी नहीं है, मे बी दोनों फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आने के बाद में रूट एग्जिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में हम बता नहीं सकते कि क्या होगा. बट ये ऐसी केस है कि अगर एक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है दूसरे जगह पे निगेटिव है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आपको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे 100% हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन मस्ट हैव द रूट. और जब हमें ये श्योरिटी पता हो जाती है कि या इस इक्वेशन को रूट है, तब हम उसको सॉल्व करते हैं कि रूट निकालते हैं. तो अब हमें पता है कि ये इसको रूट है, और कैसा है, इस ए बी, ये जो ओपन इंटरवल ए बी है,
इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन बिलोंग कर रहा है। इस पॉइंट की तरफ हमें जाना है, तो अब हम अप्लाई करेंगे बाइसेक्शन प्रोसेस। अब बाइसेक्शन क्या कहता है कि अगर आपको पता है कि हमारा जो एग्जैक्ट रूट है वो इस ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो देन वी हैव टू टेक एक्स वन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय टू, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के ये जो इंटरवल है इसके अंदर रूट बिलोंग कर रहा है, तो इसका एवरेज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो जो भी पॉइंट हमें एक्स वन मिलेगा ऑब्वियसली वो इसी इंटरवल के मिडल का पॉइंट मिलेगा, बिकॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज और वी कैन से मीन, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वन विच इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी। एग्जैक्टली एक्स जीरो मिलेगा नेसेसरी नहीं है, बट वी गेट द सर्टन वैल्यू विच बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। सो हियर सपोज हमने ये निकाल लिया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन मतलब वैल्यू ऑफ वाई, और इन केस यह आगी वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो, मतलब अगेन नॉट एग्जैक्टली जीरो ग्रेटर दैन जीरो, मतलब सपोज ये एक्स वन आपका यहाँ पे आ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन। नाउ सी हियर, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर है और x f of a पे वैल्यू निगेटिव है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर है, तो अपडेटेड वाला ग्रेटर पॉइंट ये वाला है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा रूट है इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा एक्स वन। नाउ सी हियर a टू b ये बड़ा वाला इंटरवल था, अब हमने क्या किया a टू एक्स वन मतलब a टू b इस इंटरवल को हमने रिड्यूस करके a टू x1, अब धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं इस इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं। अब हमें पता है कि a और x1 इसके बीच में कहीं तो भी रूट है, एग्जैक्टली कहाँ पे नो नहीं है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा फाइंड द x2। x2 इज द मीन ऑफ a प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे भी x2 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो कि इस इंटरवल में बिलोंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड सपोज वी गेट इट इज ए जीरो, मतलब ये पॉइंट एक्स टू यहाँ पे आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज निगेटिव, क्योंकि ये कैसा है एक्स एक्सिस के बिलो दिख रहा है कर्व, सो ऑब्वियसली एक्स टू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज निगेटिव एफ ऑफ एक्स टू। सो हियर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज निगेटिव और लेटेस्ट में पॉजिटिव है यहाँ पे, लेटेस्ट में निगेटिव है यहाँ पे, इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x0 है इट इज बिलोंगिंग टू x1 कॉमा x2, इंटरवल इज x1 टू x2, इस इंटरवल के अंदर हमारा जो एग्जैक्ट रूट है वो लाइव हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में इंटरवल था ए बी कि हमें पता था कि जो हमारा कर्व है जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, फिर हमने इस इंटरवल को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर दिया ए टू एक्स वन, इंटरवल छोटा होते जा रहा है मतलब हमारा जो टास्क है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है कि हम सोल्यूशन के नियरेस्ट जा रहे हैं। नाउ वी नो दैट द सोल्यूशन इज लाइज बिटवीन इंटरवल ए टू एक्स वन, देन हमने क्या किया नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट किया मीन ऑफ ए एंड एक्स वन, देन वी गेट द एक्स टू पॉइंट और देन वी गेट द आइडिया दैट इज आवर सोल्यूशन इज लाइज बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, इन दोनों के बीच में। अब हम एक्स वन और एक्स टू का एवरेज निकालेंगे और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे टूवर्ड द सोल्यूशन जाएंगे। सो यही जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्शन प्रोसेस।